कौन सा भिन्न बड़ा है। आज हम लोग दो भिन्नों के बीच तुलना करने के लिए सीखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा होता है और कौन सा भिन्न छोटा होता है, और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस से हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों के बीच तुलना कैसे किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले भिन्न का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भिन्न बराबर अंश बटे हर। ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि दो भिन्न दिया हुआ है, एक 5/3 एक 2/6, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। यहां पे क्या है कि दोनों का हर अलग है और दोनों का अंश भी अलग है। तो यहां पे ये बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो बिना प्रोसेस का अंदाजा लगाकर बताना ये मुश्किल होता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो इसके बहुत सारे नियम है। पहला नियम है कि आप भाग करके भी बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर ये दोनों का जो ये दोनों का जो हर है ये हर को बराबर करके भी आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आज हम लोग भाग भी नहीं करेंगे और एलसीएम निकाल के हर को बराबर भी नहीं करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि दोनों के बीच तुलना कैसे किया जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 6 को 5 के साथ करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 3 को 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 बड़ा है 6 से, तो स्वाभाविक है कि 5/3 जो होगा वो 2/6 से बड़ा है। तो यहाँ पे आंसर होगा 5/3 बड़ा है, या फिर आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं तो 2/6 छोटा है, 2/6 छोटा है 5/3 से। इस प्रकार से आप इजीली दो भिन्नों के बीच तुलना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है।